तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे पजल नंबर 23 आ चुका है और यहाँ पर एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, पर उन्हीं नंबर्स के बीच में क्वेश्चन मार्क भी है। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो जैसा कि आपको रूल पता है, आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखते चलिए। तो चलिए दोस्तों अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आंसर क्या होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे हर एक क्वार्टर में, ठीक है, हर एक क्वार्टर में जो सम है वो 20 है। जैसे 7 और प्लस 13 क्या होगा यहां पर 20, उसी तरह 6 प्लस 14 क्या होगा 20, उसी तरह 1 प्लस 19 क्या होगा 20, उसी तरह यहां पर अगर 19 है तो यहां पर आंसर आपका 1 होगा। तो आपका ये आंसर इस केस में ये आंसर होगा। तो चलिए अब पजल नंबर 24 आपके सामने आता है। यहां पर भी एक सर्कल दिया हुआ है और यहां पर भी उस सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स हैं। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो जैसा कि रूल पता है, अगेन आपको 30 सेकेंड दिया जाता है और अगर 30 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखें। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखते चलें। चलिए दोस्तों अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहां पर अगर आप देखें तो 7, 8, 9 है। अगर इन तीनों डिजिट्स को अगर आप सम करेंगे तो 7 प्लस 8 क्या होगा 15, और 15 प्लस 9 क्या होगा यहाँ पर 24। तो 24 का सम क्या होता है 6, तो यहां पर 6 है। उसी तरह 1, 2, 3 है, यहां पर इन तीनों डिजिट को आप सम करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरह 900 है, इन तीनों डिजिट को 90 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो उसी तरह यहां पर आपको इनको सम करना है। तो इनको जब आप सम करेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, और 25 में 5 और 2 का सम होता है 7। तो यहां पर आपका आंसर 7 होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपने इस पजल को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।